हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेकर। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करिएगा फ्रेंड। और ये फ्रेंड जो है ना, अभी एकदम सुबह का समय है। आजकल ठंडी में फ्रेंड क्या कहे ना, सुबह में मन ही नहीं करता है कि जाकर और झाड़ू पोछा करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी लग रहा है ना, मगर क्या करें करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा जो है झाड़ू लगा रही हूँ। और आजकल मेरी बेटी के जो है स्कूल मतलब बंद चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा लेट सेट जग जाती हूँ। फिर भी फ्रेंड जो है सुबह में ही जगती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है 4 बजे जग जाता है तो उसको भूख लग जाता है, तो उसको खाना चाहिए, वरना वो हल्ला रोने लगता है। अभी छोटा है तो फ्रेंड भूख लगी जाएगा, छोटा बच्चा का भूख लग जाता है, मेरी बेटी को तो नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं किचन में झाड़ू लगा के और यहाँ पर ढाबा में आ गई फ्रेंड। देख सकते हैं कितना सामान फैला फैला दिख रहा होगा, मगर क्या कहे। तो फ्रेंड क्या है ना, ज़्यादातर सामान मेरा बाबू लोग की वजह से ही फैला फैला दिखता है, क्योंकि वो लोग क्या है ना, कभी मतलब जो है ना कंबल लेके इधर आ जाता है छोटा वाला, तो कभी चादर लेके घूमता है, तो कभी बेल सेट। वो जो है ना फ्रेंड, नहीं बता सकते वो सब क्या क्या लेके और इधर उधर घूमते रहते हैं। मुझे तो गुस्सा भी आता है फिर भी, मगर मैं ज़्यादा क्या करूँ, डांटती हूँ तो फिर मेरा बेटा जो है रोने लगता है, तो कभी चुप्पे नहीं लगाता। इससे अच्छा कि मैं छोड़ भी देती हूँ कभी कभार, कि जो जो तुम्हें करना है सो करो। यहाँ पर साइकिल का जो है देखो कि ये बीच में लगा के कभी इधर फेंक देता है, उधर फेंक देता है। तो यहाँ पर ईंट जो पटरी दिख रहा है ना खाट के नीचे, ये भी मेरा बेटा के ही रखा हुआ है, वो भी यहाँ पर रखा है, क्योंकि उसका जिम्मा यही काम है। देखिए अभी वो रो रहा था कि ये रस्सी बता, एक में ही बांध के रखा था, आप बोला था कि खोलो, पता नहीं एक में ही जो है फंस गया था, खुल नहीं रहा था, तो मैं नहीं खोल पाई तो वो रो रहा था। और मेरी बेटी आराम से यहाँ पर टीवी देख रही थी, जो मुगली चल रहा था, वो उतना ज़्यादा शैतानी नहीं करती। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से मेरे एक कुर्सी पे सामान आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि ये भी मेरी बेटी लेकर आई थी ओढ़ने के लिए। तो कभी कुछ लेकर आती जाती रहती है, तो हम तो काम में लगे रहते हैं, फिर ज़्यादा उधर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर वो बैठ के मुगली देख रही थी और मैं यहाँ पर चारों ढाबा में रूम में जो है ना झाड़ू में लगा के, बस आंगन मेरा झाड़ू लगाने के रह गया है तो वो भी लगा लेती हूँ। फ्रेंड काफ़ी समय लगता है हमारे झाड़ू लगाने में, एकदम क्या बताएं, पूरा घर में या पूरा आंगन ढाबा में लगाएंगे तो बहुत समय लग जाता है। तो क्या है ना, सुबह में मैं आंगन में किचन में ढाबा में एक दो रूम में भी लगा देती हूँ, वरना मैं दिन में हर रूम में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह में हो नहीं पाता है सारा रूम में झाड़ू लगा मतलब लगाएंगे तो काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभार लगा भी देते हैं, जैसे मतलब जैसा समय मिलता है मुझे ना, मैं वैसी ही करती हूँ। तो आज तो बस अपना रूम में और भी एक बगल का रूम था उसमें मैं लगा दी हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा के जो झाड़ू लगाते लगाते उसका नौटंकी चालू था कि मेरा साइकिल इधर रखो, मुझे साइकिल पर बैठा के चलाओ। तो फ्रेंड यहाँ पर साइकिल जो है ना, मेरे हस्बैंड मतलब इन्हीं लोग के लिए लाए हैं, मगर साइकिल थोड़ा बड़ा लेकर आ गए हैं। क्या है ना, मेरा बेटा ना दो साइकिल मतलब तोड़ चुका है, तो एक ही वो सोचे ना कि आपकी परी बड़ा ही लेके आ रहे हैं कि। तो फ्रेंड मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा बड़ा साइकिल ही मतलब मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं साइकिल, मगर थोड़ी सी बड़ी साइकिल लेकर आ गए। तो फिर हम सोचे चलो अब रिटर्न क्या करना है, जो कि कोई भी साइकिल ये डगराता है, अभी बैठ के चलाता नहीं है। मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी है तो वो थोड़ी डरती है, तो ये तो मेरे बाबू लोग से ज़्यादा हम ही चलाते हैं फ्रेंड दिन में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और इन लोग के साथ साथ थोड़ा बहुत हम भी मस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी जो है बैठी थी मुँह फुला कर कि मम्मी जो है सिर्फ बाबू को चलाती बैठा के चलाती है, मुझे नहीं चलाती है, मतलब उस पर नहीं बैठाती है, घुमाती नहीं है। तो मेरी बेटी जो एकदम तो बोले चलो भाई तुम्हें भी दो राउंड लगा देती हूँ। इसके बाद में जो है फ्रेंड क्या है ना, खाली जब दोपहर में मैं रहती हूँ तो अपना बाबू लोग को या शाम के समय 3 मतलब 4 बजे लग सब मैं खाली रहती हूँ, तो उस समय इन लोग का साइकिल चला देती हूँ, मतलब चलाने वाले सिखाती हूँ अपनी बेटी को। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम भी मस्ती किए बच्चे लोग के साथ। इसके बाद आ गए, ये मेरे मायके से आया हुआ था फ्रेंड साग, जो कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले आया था, खेसारी का साग है।
तो यहाँ पर मैं ज़्यादा, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दी थी, तो उतना में तो हम 3 दिन साग बनाएंगे, तो थोड़ा सा ही बनाई हूँ। यहाँ पर पलकी का साग है जो कि मैं कट कर दे रही हूँ एके में, और फिर मैं थोड़ा सा ही साग बनाती हूँ क्योंकि हम लोग एक टाइम खाते हैं और खाने वाले लोग हमारे यहाँ 3 जन हैं, तो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि सिर्फ साग ही नहीं खाना, सब्जी भुजिया चावल मतलब और कुछ भी बनाता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। बनना क्या है ना, नेक्स्ट डे बच जाएगा तो हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, नेक्स्ट डे बचा हुआ। तो यहाँ पर मेरा जो है कुकर में पानी, मतलब जो है कुकर यहाँ पर रख दी हूँ, उसमें साग नमक और थोड़ी सी पानी ऐड करके और 5-6 सीटी लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि अच्छी से साग गल जाता है ना तो उसका खाने में स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही है, बहुत जल्दी बन जाएगा। फेंक दो ना, फेंक ना, तो यहाँ पर बस मेरा हो गया, ढक्कन यहाँ पर लगा देती हूँ फ्रेंड, और साथ में यहाँ पर फ्रिज में मिर्चा और लहसुन जो है निकाल लेती हूँ, क्योंकि साग में जो है ना लहसुन बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी उसका स्वाद आता है। तो फ्रेंड उधर मेरा जो है बन रहा था, तब तक इधर मेरे घर का चावल है जो, तो फ्रेंड अभी नया वाला चावल है जो कि मेरे मशीन से मतलब कुटा के आया है, तो हमारे अभी नया चावल मतलब नहीं हम बना रहे थे, तो आज सोचे चलो नया वाला ही चावल का मैं मतलब भात बनाती हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा इतना मतलब क्या बताएं फ्रेंड, इतना मतलब परेशान कर देता है कभी कभार ना, हम उससे बोर भी हो जाते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना मेरा बालों का जूड़ा तूर के और उसमें के जो गुड़िया होता है ना वहीं वो लगाने से मतलब 1 घंटा से फ्रेंड जो है ना उसी में वो मेरी बेटी लगी हुई है, हम उसको बहुत देर से देख रहे हैं, फिर भी मैं उसको बोल नहीं रही थी, पूछी नहीं क्या कर रही हूँ, मगर वो लगी रही थी। फिर बाद में पता चला कि वो बोल रही थी कि अपने बुआ के लड़की के लिए ब्रेसलेट बना रही है। हम पूछे उनसे तो फिर लास्ट में क्या हुआ, उससे वो पूरा थक गई थी, तभी 5-6 मतलब उसमें जो है गुड़िया लगा देती थी और थोड़ा बहुत था तो बोले 2 हम लगा देते हैं, फिर लगाए हम और फिर पता नहीं क्या करी क्या नहीं की। तो यहाँ पर आ गए थे मेरा बाबू, दोनों बाबू लोग को भूख लग गया था, तो वो दोनों लोग को रोटी खाना था, पूछे क्या खाएँगे, चावल या रोटी, तो मेरी बेटी बोली हम रोटी खाएंगे, तो एक एक रोटी दोनों के लिए सेक देते हैं क्योंकि ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, एक एक रोटी ही खाते हैं, उतना उनके लिए काफ़ी है फ्रेंड। मेरी बेटी तो बहुत कम खाती है, वो तो एक भी रोटी नहीं खा पाती है। तो यहाँ पर बस आलू है, आलू का जो कि दोनों जन का आलू पसंद है, तो यहाँ पर आलू का सब्जी हम बनाए हैं, क्योंकि हम अपने लिए बनाए ना बनाए मगर अपने बेटा के लिए तो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि उसको, मेरी बेटी तो नमक तेल भी रोटी खा लेती है मगर मेरा बेटा नहीं, उसको सब्जी चाहिए, और आजकल पता नहीं क्यों आलू का ही रट लगा के रखा है। तो यहाँ पर बस आलू का गोभी का भी थोड़ी सी सब्जी था, तो मैं दोनों के लिए आलू जो है दे दूँगी मोर कर जब तक वो खा रहा है, और 2-2 रोटी हम मतलब 1-2 रोटी और ज़्यादा भी चाहे मतलब सेक लेंगे। तो यहाँ पर बस इस तरफ फोल्ड करके दोनों को दे दूँगी फ्रेंड, तो फिर से मेरा जो है उन लोग को देकर काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर चावल, और देखिए क्या क्या बनाई हूँ, साग चावल रोटी सब्जी भुजिया सारा कुछ मेरा खाना बन गया है। देखिए बस अब किचन के जो है साफ सफाई करना है फ्रेंड, तो पहले मैं यहाँ पर अपने लिए और अपना बाबू के लिए खाना निकाली हूँ एके में, क्योंकि हाँ और मेरा बेटा ज़्यादातर एके में खाना खाते हैं। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खाओ लेती फ्रेंड भूख लग